आज के इस वीडियो में हम टू बटन सिंगल प्रेस्ड कोट में फ्रंट की कटिंग करेंगे। इस वीडियो से पहले मैं बैक और स्लीव्स की कटिंग की वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। फ्रंट कटिंग के लिए कोट का नाप नोट कर लें। हमने जो पहले से बैक कटिंग की हुई है, फ्रंट की कटिंग के लिए बैक को ऊपर बिछा लेंगे। बिल्कुल सीधा बिछाते हुए आपने जो बैक पर पहले से लाइन की है वो सब लाइन हम फ्रंट पर लेंगे। लॉन्ग स्केल से हम ये लाइन लगाएंगे। लाइन के मार्जिन को एक इंच प्लस करेंगे, 2 इंच का बॉटम में मार्जिन रखेंगे। उसके बाद बैक को हटाकर जो अधूरी लाइन है उनको आपस में मैच कर लेंगे। किनारी को निकाल कर 1 इंच के मार्जिन से हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। ये कोट के फ्रंट में लव मार्क की लाइन होगी। इस लाइन से हम कोट में फ्रंट की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम कोट के फ्रंट में हाले की मार्किंग करेंगे। हाले के लिए हम एल स्केल से मेथड लेंगे। चेस्ट के 8वें हिस्से में हमने मेथड निकालना है। 36 चेस्ट का 8वां हिस्सा 4.5 इंच बनता है। जो हमने लव मार्क की लाइन लगाई है, इस लाइन से 4.5 इंच पर मार्क लगाएंगे। ये हमारे हाले पर तैयार मार्क होगा कि यहाँ कोट का कॉलर बनने के बाद तैयार आएगा। इस मार्क से 1 इंच अंदर मैंने मार्क लगाया और 1 इंच अंदर के मार्क से 1/4 इंच पीछे मैंने फिर एक मार्क लगाया जो हाले की कटिंग के लिए होगा। अब जो 1 इंच अंदर मैंने मार्क लगाया है, उस मार्क से कमर की लाइन तक एक क्रॉस लाइन लगाएंगे। ये कोट के फ्रंट में लपेल की क्रॉस लाइन हो गई। इस लाइन से पीछे 1/4 इंच के मार्जिन से मैं एक और लाइन लगाऊंगा। ये लाइन हाले की कटिंग के लिए मार्क हो गई। अब इस लाइन पर हाले की डाउन का मार्क लगेगा जो चेस्ट के 24वें हिस्से में लगाएंगे, जो बनता है 1.5 इंच। और हाले के डाउन के लिए चेस्ट के 12वें हिस्से पे मार्क लगेगा। ये मार्क हम लब लाइन पे लगाएंगे। अब ये दोनों मार्क आप क्रॉस लाइन कर लें। अब जितनी चौड़ी आप लपेल चाहते हो उतना मार्क लगा लें। यहां मैं 2 इंच चौड़ी लपेल बनाऊंगा। लपेल के शेप के लिए आपने शेप पट्टी को रखने का तरीका समझना है। अगर आप एक राउंड शेप चाहते हैं लपेल में, तो लपेल के स्टार्ट से शेप देना शुरू करें। और अगर आप लपेल में एक स्ट्रेट शेप चाहते हैं, तो लपेल का राउंड हिस्सा बाहर निकालते हुए शेप पट्टी को स्ट्रेट रखते हुए शेप देंगे। लपेल की चौड़ाई के हिसाब से 1/2 इंच हाफ की मार्किंग करेंगे। फ्रंट में कांच का मार्क लगाएंगे। कमर की लाइन पर हम पहले कांच का मार्क लगाएंगे और पहले कांच के नीचे दूसरे कांच के लिए 4 इंच के फर्क से एक और मार्क लगा लें। अब बाकी जो हिस्सा नीचे रह जाता है उसको नाप लें, तो ये 1/2 इंच हमें मिला है। अब हम कोट में तट्टी की मार्किंग करेंगे कि हमने जो हाले में 8वें हिस्से पर मार्क लगाए है 4.5 इंच पर, उस मार्क से चेस्ट के 12वें हिस्से में यानी 3 इंच पर हमने मार्क लगाना है और 1/2 इंच काज बटन का मार्जिन ऐड करना है, तो ये 3.5 इंच हो जाएगा। अब 4.5 इंच और 3.5 इंच को हम प्लस कर लें तो ये टोटल 8 इंच बनता है, जो चेस्ट के 4थे हिस्से में 1 इंच पर होगा। आप इसको स्क्वायर में नाप लें और 8 इंच पर तख्ती के लिए एक स्ट्रेट लाइन लगा दें। आर्मोल में 1/2 इंच एक्स्ट्रा डाउन के लिए एक और लाइन लगा लें। फ्रंट में शोल्डर डाउन के लिए मार्क लगाएंगे। बैक को फ्रंट के हाले के ऊपर बिछा लें। स्ट्रेट रखते हुए बैक को हाले पर 1/2 इंच चढ़ा कर रखा है, जो हमने हाले पर तैयार मार्क लगाया है 8वें हिस्से पर। बिल्कुल बैक को सीधा रखते हुए जितनी बैक की चौड़ाई है हमने मार्क कर लिया। और बैक के डाउन के हिसाब से फ्रंट में शोल्डर के डाउन को 1/2 इंच कम कर देंगे।
सबसे पहले फ्रंट में डाउन के लिए शेप देंगे, एक राउंड में शेप होगा, शोल्डर की क्रॉसिंग लपेट की क्रॉस लाइन से करेंगे, आर्मोल के शेप को हमने आर्मोल के ऊपर जो डेढ़ इंच पर लाइन है उस पर खत्म करना है और उस लाइन के नीचे आर्मोल की गोलाई को एंगल बनाते हुए ड्राइंग करना है। आर्मोल की ड्राइंग में आपने एक ख्याल रखना है कि जब हम आर्मोल को ड्राइंग करें तो आर्मोल नैरो ना हो जाए। अब हम फ्रंट की चौड़ाई का मार्क लगाएंगे। टट्टी के मार्क से 2.25 इंच पर हमने पहला मार्क लगाया और पैनल की चौड़ाई के लिए हमने चेस्ट के चौथे हिस्से पर मार्क लगाया। 9 इंच पर मैं ये मार्क लगाऊंगा। बॉटम तक हमने 9 इंच पर मार्क लगाया और ये दोनों मार्क स्ट्रेट लाइन कर दिए। अब जो बाकी हिस्सा रह जाता है शेप स्केल से हमने कमर तक शेप दिया। कोट में वेल्ड की ड्राइंग करेंगे। आर्मोल की लाइन से नीचे क्रॉस में हमने लाइन लगाई। आर्मोल के शेप से 1.5 इंच अंदर पहला पॉइंट मार्क किया और सीने के 12वें हिस्से में 1/2 इंच मिलाकर 3.5 इंच पर पॉकेट का दूसरा हिस्सा ड्राइंग कर दिया। पॉकेट के सेंटर में हमने डॉट के लिए ड्राइंग करनी है। 3.5 इंच का सेंटर 2.25 इंच बनता है। 2.25 इंच के हिसाब से हमने लब मार्क से नापते हुए स्ट्रेट लाइन लगानी है। ये हमारे कोट के फ्रंट में क्रीज डॉट होगी। अब हम पैनल में डॉट की ड्राइंग करेंगे। कर्व शेप के लिए हमने कमर में से 1/2 इंच डॉट को निकालना है कि अगर हम कोट में एक इटालियन शेप चाहते हैं तो 1/2 इंच हमने कमर में से मार्जिन निकाला और बाकी शेप को हमने हिप तक मैच कर दिया। अब हम फ्रंट में फिटिंग की मार्किंग करेंगे। यहाँ मैं आपको बहुत ही एक आसान तरीका बताऊंगा। आर्मोल के लाइन पर चेस्ट की लूजिंग के लिए 4 इंच पे मार्क लगाएंगे। कमर के मार्क पर कमर की लूजिंग के लिए 3.5 इंच पर मार्क लगाएंगे। हिप की लूजिंग के लिए भी 3.5 इंच पर मार्क लगाएंगे। अब हम बैक की चौड़ाई को नाप लेंगे। चेस्ट के पास से चौड़ाई नाप लें तो यहाँ 8.5 इंच नोट कर लें। कमर के पास से भी चौड़ाई नाप लेंगे, यहाँ 7 इंच की चौड़ाई है और हिप के पास हम चौड़ाई नाप लें तो यहाँ पर 8 इंच की चौड़ाई है। अब कोट में 37 चेस्ट है, उसका हाफ कर लें तो 18.5 इंच बनता है। तो जो हमने 4 इंच पर मार्क लगाया है उस मार्क पर इंच डेप 18.5 पर रख लें। डार्ट के फर्क को निकालते हुए जो हमने चेस्ट में बैक की चौड़ाई नापी है 8.5 इंच पर मार्क कर देंगे। कमर की फिटिंग के लिए भी हम इसी तरह मार्क करेंगे। 35 वेस्ट है, उसका हाफ कर लें तो 17.5 इंच बनता है। 17.5 इंच हाफ को 3.5 इंच के मार्क पर रखेंगे। डार्ट के फर्क को निकालते हुए बैक की चौड़ाई जो 7 इंच हमने नापी है मार्क कर देंगे। 41 हेप है, 41 हेप का हाफ करें तो 20.5 इंच बनता है। 20.5 इंच 3.5 इंच के मार्क पर रखेंगे और 8 इंच पर मार्क लगा देंगे जो हमने हिप में बैक की चौड़ाई को नापा है। अब ये जो 3 मार्क हमें फिटिंग के लिए मिले हैं, शेप स्केल से आप शेप दे लें। ये बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। इसमें आपको किसी तरह का मार्जिन और काज बटन का मार्जिन अलहदा से निकालने की जरूरत नहीं होगी। सीने से कमर तक शेप देंगे, 2 इंच का साइड में मार्जिन रखेंगे जो कभी हमें कोट को लूज करने में काम आएगा। कमर से हिप तक शेप दे दें, यहां भी हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। चौक के लिए भी मार्जिन रख दें। बैक में हमने 8 इंच पर चौक को मार्क किया था तो यहां भी 8 इंच पर मार्क लगाएंगे। अब हम कोट में दामन की ड्राइंग कर देंगे। जो हमने फ्रंट में लेंथ को 1 इंच प्लस किया था उस मार्क से साइड तक एक क्रॉस लाइन लगाएंगे।
2 इंच के मार्जिन की भी लाइन लगा दें। अब हम कोट में गोलाई को ड्राइंग करेंगे। दामन में गोलाई का मेथड चेस्ट के 16वें हिस्से पर है, 2.25 इंच बनता है। और अगर दामन में स्ट्रेट शेप चाहते हैं तो 1/2 इंच कम कर लें। यहां मैंने 1/2 इंच कम पर मार्क लगाया। काज से दामन तक शेप स्केल से एक राउंड शेप दें। कोट के दामन में गोलाई को ड्राइंग कर देंगे। अब हम कोट में पॉकेट की ड्राइंग करेंगे जो दामन के शेप के हिसाब से होनी चाहिए, यानी जिस तरह का क्रॉस दामन होगा इसी तरह पॉकेट भी क्रॉस होगी। साज के सामने हमने पॉकेट की ड्राइंग करनी है। लव मार्क से चेस्ट के 8वें हिस्से पर पॉकेट के पॉइंट को मार्क करें। यह जो हमने क्रीज डॉट ड्राइंग की है उस डॉट से 1/2 इंच ऊपर हमने पॉकेट को ड्राइंग करना है। 1/2 इंच के डॉट के लिए क्रॉस लाइन लगाएंगे जो कमर के शेप के लिए होगी। अब जितना हमने डॉट का मार्जिन पॉकेट में निकाला है इस फर्क को आर्मोल में से भी हम निकालेंगे। तो सूत्र आर्मोल को पैनल में से एक्स्ट्रा डाउन किया और इस लाइन से बाकी आर्मोल को ड्राइंग कर दिया। कोट के ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद आप साइड को चेक कर लेंगे। बैक को रखते हुए हमने साइड को बैलेंस करना है। अगर फ्रंट के साइड में फर्क हो तो इस फर्क को हम आर्मोल की तरफ निकालेंगे। फ्रंट में लेंथ को नाप के कंफर्म कर ले कि ड्राइंग होने के बाद लेंथ में कोई फर्क ना हो। सिलाई मार्जिन को निकालते हुए हम फ्रंट को नाप लें तो ये 29.5 इंच आ रहा है। अब हम फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। हाले को लव मार्क पे कटिंग करेंगे। लव मार्क में 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे। दामन को मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे। आर्मोल को उसी मार्क पर कटिंग करेंगे जो हमने साइड बैलेंस करते हुए मार्क किया था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।